प्रैक्टिस ऑन योर बॉडी वी डू हैव इट सो जब मैं बॉडी की बात करती हूं सो व्हाट इज समथिंग दैट यू गर्ल्स हैव टू गर्ल्स एंड गाइस सॉरी आई एम सॉरी मैं सिर्फ गर्ल्स ही बोल रही हूं पार्शियल नहीं होना चाहती नहीं तो बोलेंगे वो सुनो फैमिली ठीक है सो एक चीज है कि बॉडी पोस्चर को सही रखिए ठीक है जब हम रैंप में होते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर नीज लॉक्ड When I say to keep your knees locked is कि जब हम walk करते हैं तो आपका जो knees है वो slouch नहीं होना चाहिए This is something that shouldn't happen on the ramp. Boys and girls दोनों के लिए है ठीक है Now एक mistake होता है लोग बोलते हैं कि अच्छा अगर मुझे knees को locked रखना है तो am I supposed to walk like this? No, you're not supposed to walk like this. ठीक है Bend हो सकता है knees, but the moment you're keeping your leg forward, make sure your knees are locked. समझ में आया जब हम लेटिना ब्यूटीज को देखते हैं मेल पैटर्न्स में देखते हैं जो अब्रॉड होते हैं डू यू सी द बॉडी लैंग्वेजेस ऑफ गर्ल्स इंडिया में एब्स होना इट्स स्टिल अ मिथ ठीक है लड़कियां उतना फिटनेस को कंसिडर नहीं करती है बट हम अब्रॉड की बात करते हैं तो गर्ल्स आर वेरी अप टू द मार्क व्हेन इट कम्स टू देयर बॉडी पोस्चर बॉडी फिटनेस बॉडी लैंग्वेज ठीक है सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं देखूंगी एंड ऑफ कोर्स ऑल द जजेस एंड द ऑडियंस इज गोइंग टू ऑब्जर्व इज योर बॉडी लैंग्वेज सो मेक श्योर योर बॉडी लैंग्वेज इज अप टू द मार्क सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू कीपिंग इन योर माइंड व्हाइल यू आर ऑन द रैंप एंड व्हाइल यू आर मेंटेनिंग योर बॉडी ठीक है नेवर स्लाउच हमारा बॉडी पॉस्चर बहुत रॉन्ग हो जाता है ओवर द टाइम क्योंकि हम हमेशा कम्फर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं झुके रहते हैं अधिकतर ये होता है ठीक है बॉयज़ के साथ भी यही होता है एंड गर्ल्स के साथ भी वट हैपन्स विद द गर्ल्स इज कि हम लोग भी ज़्यादा स्लाउच करने लग जाते हैं सो मेक श्योर योर बॉडी इज स्ट्रेट ठीक है व्हेन आई से योर बॉडी कैन यू जस्ट कम फॉरवर्ड लेट मी आई जस्ट गोना गिव यू अ डेमो सो व्हेन आई से योर गर्ल्स हैव टू बी इरेक्ट व्हेन आई से इरेक्ट ऑन द स्टेज गर्ल्स एंड बॉयज बोथ ठीक है सो ये जो तुम्हारा बैक पॉस्चर होगा इट हैज टू बी स्ट्रेट समझ में आया सो मेक श्योर योर बॉडी पॉस्चर इज स्ट्रेट ये चीज़ बैक होगा ठीक है ये आगे की तरफ स्लाउच नहीं करेगा बिकॉज आगे की तरफ सपोज इफ यू गर्ल्स आर वेयरिंग समथिंग इस टाइप की ड्रेस अच्छे नहीं दिखते इफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड समझ में आ रहा है सो मेक श्योर योर बॉडी इज स्ट्रेट दिस हैज टू बी स्ट्रेट योर कोर हैज टू बी टाइट समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स बोथ ऑफ यू योर कोर हैव टू बी टाइट योर बैक हैज टू बी स्ट्रेट एंड योर नीज हैव टू बी लॉक्ड समझ में आया योर नीज हैव टू बी लॉक्ड तुम लोग में शायद वन पीस कॉकटेल राउंड है राइट एक है तुम्हारा डिजाइनर राउंड एंड द अदर वन इज योर कॉकटेल राउंड राइट सो तुम लोग ऐसे ड्रेसेस पहनोगे तो अच्छे नहीं लगते अगर तुम्हारी नीज झुके हुए व्हाइल यू आर वॉकिंग ऑन द रैंप सो मेक श्योर कि योर नीज आर लॉक्ड ठीक है योर कोर इज टाइट एंड देन योर बैक इज कीप दिस थिंग इन योर माइंड फोन है फटाक से नोट बना लो बिकॉज अगर कहीं भी सीखने का मौका मिलता है कीप नोट राइटिंग इट डाउन बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो मुझे याद रहता है कि चलो मुझे ये राइट सो प्लीज कीप अ नोट कीप मेकिंग द नोट ठीक है थैंक यू सो पहला है कि दोनों का बॉडी पॉस्चर ठीक है नाउ कमिंग टू द एक्सप्रेशन जस्ट टेल मी कि तुम लोग वॉक करते हो तो किस टाइप का एक्सप्रेशन रख रहे हो ऑन द स्टेज टेल मी रियल किस टाइप का एक्सप्रेशन है फेस में व्हाइल यू गर्ल्स एंड गाइस आर वर्किंग ऑन द रैंप टेल मी स्माइली आई कांटेक्ट ठीक है और एटीट्यूड सो आर यू मिक्सिंग आर यू प्रिपेयरिंग अ खिचड़ी ऑफ एक्सप्रेशंस कर रहे हो कि नहीं आई नीड दैट खिचड़ी समझ में आया When I say कि हर एक एक्सप्रेशन होने चाहिए यू आर हैप्पी ऑन द स्टेज यू आर सेक्सी यू आर रोमांसिंग विद द कैमरा यू आर रोमांसिंग विद द ऑडियंस यू आर रोमांसिंग विद द एवरी पर्सन हु इज जस्ट राइट इन फ्रंट समझ में आ रहा है स्माइल भी चाहिए टीथ भी दिखना चाहिए फेस से एक्सप्रेशन आने चाहिए कोई गलती नहीं है इसमें दैट्स अ गुड थिंग कि लोग 40-50 तक हो जाते हैं दांत नहीं ठीक कराते बट एटलीस्ट तुमने सही टाइम पे किया दैट्स अ गुड थिंग इट्स एब्सोल्युटली फाइन यू कैन स्माइल ठीक है सो आई नीड अ खिचड़ी ऑफ योर एक्सप्रेशन ठीक है स्माइल भी होना चाहिए एटीट्यूड भी होना चाहिए ठीक है सेक्सीनेस भी होना चाहिए सो रोमांस विद योर बॉडी एंड स्टार्ट रोमांसिंग विद योर दिस इज व्हाट आई लाइक समझ में आया नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सप्रेशन सेम गोज विद द मेन
बॉयज ऐसा नहीं है कि नहीं हम बॉयज हैं, हम माचो हैं, हम हंस नहीं सकते. गर्लफ्रेंड्स को देखते हो तो हंसते नहीं हो, हंसते हो ना. सो इम्पॉर्टेंट है कि गिव द एक्सप्रेशन बॉयज के लिए. ठीक है, बॉयज है सारे नाम उधर ही बैठे हैं. उधर ही बैठना है, सब मिला कि नहीं. सो मैं चाहती हूँ कि बॉयज के भी एक्सप्रेशन दिखे. ठीक है, स्माइल करो थोड़ा सा, एटीट्यूड भी रहे. आई नो यू हैव टू मेंटेन दैट माचो वाला इमेज ऑल्सो, यू कैन नॉट बी टू गर्ली गर्ली व्हाइल स्माइलिंग. ठीक है, सो ये चीज को मिक्स करके मुझे सब कुछ, बंच ऑफ एवरीथिंग आई हैव टू सी ऑन द रैप टू हियर विद दिस. You girls and guys have any queries related to this part, right? You're clear with the expression, you're clear with the body posture. ठीक है, now जब मैं बात करती हूँ कितना काउंट लेते हो तुम लोग हेड रैप में जाके, फटाक से बताओ. जब हेड रैप में जाते हो तो कितना काउंट लेते हो? 3 seconds का काउंट ले रहे हो? Are you girls sure? Are you guys sure कि 3 seconds का काउंट लेते हो या फिर उसी से फटाक से करके निकलते हो? 3 seconds. ठीक है, so जब वहाँ पे हैदराबाद में जाते हो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो अभी मैं बताती हूँ. सपोज ये हैदराबाद पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, सामने कैमरामैन भी होंगे, आजू बाजू में ऑडियंस भी होगी, नीचे जजेस भी बैठे हो, यू गेट इट. अब तुम्हारा ये रोल है कि 3 सेकेंड के अंदर सबको देखो. अगर मेरे साथ 2-3 जजेस और बैठे हैं, तुम लोग में से मुझे देख के स्माइल किया, उनको नहीं दिया तो अंडा दे देंगे दोनों तुमको, क्यों है ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरेक्ट विद एवरी पर्सन हु इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. समझ में आया? मेरे साथ अब आई जस्ट गिव यू अ लिटिल एग्जांपल. सामने अगर ये तीनों बैठे हैं सपोज, ठीक है, अब मुझे इन तीनों जजेस को एक्सप्रेशन देना, आई कॉन्टैक्ट देना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक बार इसको देखूँ, फिर एक बार इसको देखूँ, एक बार इसको देखूँ. नहीं, एक तरफ से लेके जाओ, एक तरफ से लेके आओ. समझ में आया? दिस इज हाउ यू गो विद एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन, कॉन्टैक्ट, डन. समझ में आया? नाउ जजेस को तो देख लिया, अब कैमरा को भी देखता हूँ. पता चला तुम जजेस को देख रहे हो, उतना में कैमरा ने फोटो क्लिक कर दिया, पता लग रहा है कि तुम्हारे आँख बंद आए. वी डोंट वांट दैट. समझ में आया? Within 3 seconds, within 4 seconds, judges को भी eye contact दो, camera को भी contact दो, plus बाजू में जो audience है सबको दे. Audience is going to cheer up for you. Get it? समझ में आ रहा है? 5 seconds के अंदर सबको attract करो, and this is going to be a huge task. समझ में आ रहा है? So this is something which has to happen. ठीक है? Now, expression part से clear हो, body language से clear हो. Now camera acknowledgement इसी को बोला जाता है. That camera को भी देखो, because camera is also a person. ठीक है, never consider camera as a technology, but it is as a person, because वो तुम्हें capture करने वाला. ठीक है, so make sure you're smiling, you're giving that expression, sexy attitude वगैरह वगैरह जो भी तुम लोग का expression है, but I need to see the kitchen. You get it? समझ में आ रहा है? Now coming to the next part is तुम लोग का एक है cocktail dress है और एक ethnic है. ठीक है, इट इज एन इंडो वेस्टर्न ड्रेस. क्या है? इंडो वेस्टर्न. इज इट गोइंग टू बी अ लिटिल फ्लोई? ओके, सो डिड यू गर्ल्स रिहर्स व्हाइल वेयरिंग द ड्रेस? नो, यू हैवंट. किसी ने एक बार घर पे रिहर्स करके देखा कि चलो इस टाइप का ड्रेस मेरे पास है, मैं एक बार घर में रिहर्स करके देखती हूँ? नो. या फिर सब रैंप में गिरने वाले हो? ऐसा नहीं होना चाहिए वॉक करते करते तुम्हारे कपड़े जो है सैंडल्स के नीचे आ जाए एंड इवेंचुअली तुम जज के ऊपर गिर जाओ. We don't need that to happen, right? So start kicking your dress while you're below. Kick, 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 and this is how you save yourself. समझ में आ रहा है? And coming to the boys, तुम लोग के ऐसा होता है जब तुम लोग stage में होते हो तो you guys do not have a lot of posture, you know, ये टी पोज कर दे, ओपन लेग कर दे, ये कर दे, वो कर दे. ठीक है, कीप इट मिनिमल टू ऑल द बॉयज. ठीक है, एंड देयर इज वन मिस्टेक दैट जो अधिकतर न्यू कमर्स करते हैं कि दे इस तरह का पोज मारते हैं. दिस आई डोंट नीड दिस थिंग टू हैपन. ठीक है, जब भी तुम लोग स्टेज में आते हो दिस इज हाउ योर हैंड गोज,
एंड बॉयज तो सिंपल तुम लोग का हैंड्स तो हमेशा नीचे की तरफ होता है और इधर इट क्रॉस और समथिंग बट व्हेन इट कम्स टू गर्ल बी मोर एलिगेंट समझ में आ रहा है टेक इट अप स्लोली एंड देन टेक योर पोस्चर समझ में आ रहा है सो एलिगेंस इज समथिंग मैं चाहती हूँ कि बॉयज और गर्ल्स दोनों में और स्टेज के सामने में आते हो टेक योर टाइम किसी को कोई नहीं भागा जा रहा है हम भी वहाँ पे बैठे हैं कोई कोई करते आते हैं फटाक से होकर के पीछे भाग जाएंगे ऐसे पता नहीं ट्रेन छूट गई डोंट डू दैट ठीक है प्लीज डोंट डू दैट हम वहाँ पे हैं हम अपना टाइम दे रहे हैं प्लीज टेक योर टाइम स्टेज में टू ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स समझ में आ रहा है एंड कमिंग टू द बॉडी पोस्चर गाइज आर क्लियर एक्सप्रेशन यू गाइज आर क्लियर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट तुम लोग का इंट्रोडक्शन क्लियर है इंट्रोडक्शन क्लियर है यू गाइज आर प्रिपेयर्ड विद योर इंट्रोडक्शन एवरीवन इज प्रिपेयर्ड विद योर इंट्रोडक्शन राइट इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें मेंशन किया गया फटाक से बता दूँ हाइट इंक्लूड किया तुम किसी को एज डेफिनेटली एज कर सकते हो बट हाइट इज समथिंग यू नेवर इंट्रोड्यूस ठीक है इंट्रोडक्शन में अपना हाइट कभी नहीं मेंशन करना दिस इज अ रॉन्ग मिस्टेक ठीक है सो नेवर मेंशन योर हाइट अपना एज बताओ अपना ऑक्यूपेशन प्रोफाइल वगैरह वगैरह जो भी है इट्स फाइन गुड टू गो ठीक है बट नो हाइट नाउ मेक श्योर कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन रट्टा हुआ ना हो समझ में आ रहा है जैसे मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ उस तरह का इंट्रोडक्शन होना चाहिए नहीं कि माय नेम इज रिया दिल्ली आई एम 23 ईयर ओल्ड आई एम स्टार्टिंग दिस 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 नहीं बहुत बोरिंग हो जाएगी मेरे साथ दूसरे जज भी स्किप कर देंगे आधा पास समझ में आ रहा है सो मेक श्योर कि जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन है इट्स अपीलिंग डेफिनेटली यू कैन नॉट ऑल्टर इट राइट नाउ बट इट हैज़ टू बी अपीलिंग नॉट बटिफाइड समथिंग दैट इज So it's not buttified and make sure it is very simple and crisp. Coming to the question answering round, I don't know kitne koi confident ho question answering round se. Like are you guys little scared of the question answering part? Huh? Nervous. Nervous ho question answering part ke. Theek hai. So question answering part is something which plays a very crucial role when it comes to competition. Tumhara ramp up important hai. सब कुछ इम्पॉर्टेंट है लेकिन जिस तरह से तुम बात करोगे दैट डिटरमाइंस कि वेदर यू आर विनिंग इट और नॉट ठीक है सो क्वेश्चन आंसरिंग पार्ट जो है मेक श्योर इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्रिस्प कभी भी आंसर पूछ क्वेश्चन पूछा जाता है डोंट वरी कि कोई एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा कि चलो बताओ यूक्रेन में क्या चल रहा है कि रशिया में क्या चल रहा है नो वन इज गोइंग टू आस्क ठीक है एटलीस्ट यहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में तुमको पता होना चाहिए एंड द क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी पोस्ड विल डील विथ योर पर्सनल इंट्रोडक्शन तुम्हारे पर्सनल इंट्रोडक्शन में क्या क्या तुमने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ठीक है सो मेक श्योर योर क्वेश्चन आंसर इज सिंपल एंड क्रिस्प समझ में आता है चलो आई जस्ट गिव यू अ लिटिल एग्जांपल रिगार्डिंग दिस अगर मुझे पूछा जाए आई जस्ट गॉट दिस एक्सपीरियंस ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स उससे मैंने पूछा था अगर तुमको जिंदगी में एक एक विश मिलती है तो तुम क्या मांगोगी वो विश तो शी टोल कि मैं और तीन विशेस मांगूँ सिंपल एंड क्रिस्प समझ में आया वैलिड इनफ कि हम तो ग्रीडी इंसान है भाई हमें और चाहिए लाइफ में तो शी टोल कि आई वुड वांट थ्री मोर विशेस सिंपल उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं गई नहीं तो कोई बोलेगा यू नो आई वांट टू बी यंगर देन माय एज आई वांट टू बी दिस एंड आई वांट टू बी दैट ठीक है सो मेक इट सिंपल एंड क्रिस्प वन मोर थिंग मुझे अभी किसी ने पूछा था कि इंग्लिश हिंदी में अगर मैं बोल सकती हूँ कि नहीं सो इट्स अपॉन यू तुम्हारा लैंग्वेज के बेसिस में कोई तुमको जज नहीं करने वाला ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू स्पीक इज समथिंग विच काउंट्स समझ में आ रहा है सो मेक श्योर कि जो भी तुम आंसर करते हो इट कैन बी इन इंग्लिश इट कैन बी इन हिंदी बट सही तरीके से बोलो ठीक है डरने का नहीं एंड अगर नहीं आता है आंसर सबके सामने बोल दो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सॉरी मुझे ये नहीं पता दैट्स इट लेकिन फेक अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है और लाइफ में जो तुम्हारे साथ हुआ है बी अ रियल पर्सन अभी तो मैं तुम लोग से अभी इंटरेक्ट कर रही हूँ ठीक है बट बाकी मेंबर्स हैं आपसे एक महीने से आपके साथ हैं दे आर ऑब्जर्विंग यू दे आर सीइंग एवरीथिंग लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली इज दैट बिफोर विनिंग द टाइटल बिफोर विनिंग एनी पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बींग अगर लाइफ में तुम वो बन गए अच्छे इंसान बन गए तुम कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो
सो अपने नेचर से, अपना बिहेवियर से, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे हमसे ऊपर जो है उनसे हम रिस्पेक्टफुली बात करें, लेकिन जो एक बंदा आके टेबल साफ कर रहा है उसको हम डिसरिस्पेक्ट करें, दिस इज़ नॉट दैट, ठीक है। एंड ये चीज़ भी मुझे पता लगी थी कि नॉट ऑल ऑफ यू आर वेरी पंक्चुअल विद योर टाइम। व्हाई? क्यों? अगर बोला गया है अगर 9 बजे आने का है, मतलब 9 बजे ही आने का है, ठीक है, क्योंकि अभी यू पीपल आर स्ट्रगल, अभी तुम लोग हो, तुमको पहले उनके पीछे भागना पड़ेगा, बाद में अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पीछे भागना, समझ में आ रहा है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यू गर्ल्स आर नॉट गिविंग टाइम, इफ यू गाइज आर नॉट पंक्चुअल विथ योर टाइम, लेट मी टेल यू, तुम लोग नहीं सर्वाइव कर पाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बड़े इंडस्ट्री में अगर गो टू बॉम्बे, पीपल आर वेरी पर्टिकुलर विद देयर टाइम, पैसे चलते टाइमिंग के बेसिस में पैसे मांगते हैं, यू कैन नॉट बी लेट। सो मेक श्योर कि अगर इस प्रोफेशन में तुम लोग सर्वाइव करना चाहते हो, सो मेक श्योर यू गर्ल्स एंड गाइस आर वेरी पंक्चुअल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, सिंस आई सेड कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ ग्रेसफुल पर्सन, लास्ट में लास्ट में द मोमेंट तुम लोग को क्राउन दिया जाता है, या फिर तुम लोग को सैश, बॉयज को अगर सैश होगा, गर्ल्स के भी सैश एंड क्राउन होगा, ठीक है। सो अधिकतर प्रॉब्लम क्या होता है, जब सैश दिया जाता है, यू पीपल आर लाइक ट्राइंग टू जस्ट गेट इनटू द सैश, डोंट डू दैट, वहाँ पे कराटे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे तुम्हें, यू गेट इट, यू हैव टू बी वेरी ग्रेसफुल। अगर मैं वहाँ पे क्राउन करूंगी, मैं वहाँ पे सैश पहनाऊंगी, तो आई नो कि हाउ एम आई सपोज, बट अगर कोई दूसरा इंसान रहेगा, यू गर्ल्स, यू गाइज एंड गर्ल्स नीड टू बी स्मार्ट एनफ टू गाइड दैट पर्सन कि आप मुझे इस तरह से पहनाएंगे, समझ में आ रहा है? सो दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट, बी वेरी ग्रेसफुल विद वॉट यू डू, सपोज इफ शी इज अ विनर, सपोज, ठीक है, अब मत बोलना पॉलिटिक्स चल गया यार, सो सपोज इफ शी इज अ विनर, ठीक है, तो द मोमेंट शी कम्स एंड आई एम सपोज टू क्राउन हर, तो मैं जैसे ही मैं क्राउन करने जाऊंगी, हू एवर द विनर इज, बेंड अ लिटिल, गर्ल्स आर वेयरिंग हील्स, बैंड अलग, ऐसे मत करें, क्राउन गिर जाएगा, ठीक है, मतलब व्हाट यू कैन डू इज होल्ड दिस हैंड टुगेदर, बोथ हैंड्स टुगेदर एंड बाउ अलग, दिस इज हाउ यू सपोज टू डू, मेक श्योर योर हेड इज हाई, ठीक है, नीचे मत करना, क्राउन गिर जाएगा, हाई एंड बाउ अलग, ठीक है, दिस इज हाउ यू डू, बाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब जाके तुमको क्राउन पहनाया जाएगा, नहीं तो पता चला कि अच्छा मुझे सूट लेके पहनाना पड़ेगा, नो, ठीक है। सो जो भी विनर होता है, द बॉयज एंड द गर्ल्स, व्होएवर इट इज, मेक श्योर यू आर वेरी ग्रेसफुल इन फ्रंट ऑफ द स्टेज, ठीक है, बाउ अ लिटिल, एंड जब सैश की बारी आती है, ठीक है, जब सैश की बारी आती है, सिंपली हाथ को बाहर निकालो, हाथ को सिंपली बाहर निकालो, दे विल पुट द सैश, जो भी सपोज मुझे सैश यहाँ से पहनाना है, ठीक है, दिस इज हाउ द सैश इज गोइंग, यहाँ से जाएगा स्लोली एंड सैश इज गोइंग टू, यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू टेक योर हैंड्स आउट, समझ में आया? नहीं तो पता चलेगा सैश यहाँ पे पहना रही है, बाद में हाथ निकाल रहे हो, ठीक है, सो हाथ निकाल दो ताकि वो तुम्हें सैश आराम से पहना सके सामने वाले इंसान, यू गेट इट। और वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे अगर कभी मिस्टेक हो जाता है इन द मोमेंट, सैश अगर गलत पहना दिया, झिझकना नहीं उतार के उसको करेक्ट करने में, समझ में आ रहा है? सो पहले देखो कि सैश का जो नाम है ना, पता चला यहाँ पे JNGM लिखा है, उल्टा है यहाँ पे, और कुछ और ही फोटो में आ रहा है, पीपल आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज, समझ में आ रहा है? सो मेक श्योर जो सैश पहना रहे हैं उनको गाइड करो, एंड अपना बॉडी पोस्चर इस तरह से रखो कि अच्छा से तुम सैश और क्राउन पहन सको, सिमिलरली, थैंक यू सो मच दादा, सिमिलरली बॉयज़ के साथ, ठीक है, सो यू गाइज आर वेरी टॉल, सो आई नो इफ आई हैव टू मेक यू वेयर समथिंग, इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर मी, सिंस यू गाइज आर वेरी टॉल, सो मेक श्योर कि यू बेंड अ लिटिल, अगर तुमको कभी ये पहनाया जा रहा है सैश, या फिर एक व्हाट यू से, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, सो मेक श्योर कि यू बेंड अ लिटिल, सामने वाले को सपोर्ट करो, समझ में आया? सो दिस इज हाउ थिंग्स गोस। नाउ क्विक क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन है तो पूछो फटाफट से। इंट्रो, आप लोगों को पहले से इंट्रोडक्शन का टाइम तुमने दिया गया था ना, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 30 to 45 सेकंड, not aware about this. सभी ये मत बोलना कि इंट्रोडक्शन में प्रिपेयर नहीं हो, हाँ तो वो प्रिपेयर है तो then that's fine, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हो? चलो इन जनरल नॉट रिलेटेड टू दिस, इन केस अगर फटाक से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू द मॉडलिंग इंडस्ट्री और द पैजेंट इंडस्ट्री, बिकॉज वी जस्ट हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, ठीक है, अगर मुझे बोलने दिया जाए तो मैं दिन भर बोलते पूछो फटाक से कोई क्वेश्चन है तो, बॉयज इन द गर्ल, गो अहेड। प्रिया मैम, इन क्यू एंड ए राउंड हाउ
अगर जब इंटरनेशनल पाजेंट्स में जाते हैं तो 30 सेकंड्स का टाइम लिमिट दिया जाता है. थैंकफुली अभी मिस यूनिवर्स में वो नहीं है, बट पहले था 30 सेकंड्स का. 30 सेकंड्स रिंग बेल बजेगा नहीं और डर बजेगा, ठीक है. सो 30 सेकंड्स एंड वन मोर थिंग, ठीक है. कभी भी अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कोई भी जज क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये मुझे थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन, इट इज सच अ लवली क्वेश्चन. हमें पता है इट इज अ लवली क्वेश्चन, ठीक है. सो नहीं चाहिए वो, थैंक यू सो मच, इट इज सच अ लवली क्वेश्चन. नो, वो ग्रीटिंग नहीं चाहिए, जस्ट डू इट विद योर आंसर, टक 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 टक, डन विद योर जॉब, एग्जिट. समझ में आया? ज्यादा ओवर द टॉप, ओवर द बटरिंग नहीं, कुछ नहीं, जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो बोलो और निकल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, आई विल टेक थ्री मोर क्वेश्चंस एंड वी आर डन विद दिस. चलो मैम, अगर स्टेज इशू होगा, जब स्टेज में कारपेट का नॉन होता है, तो वहाँ से अगर हमें अभी अगर वहाँ से अगर हील्स वगैरह अगर कभी हील्स मतलब वहाँ पे जो स्टेज गिरा हुआ है वहाँ पे, सो गर्ल्स नीड टू बी वेरी कॉन्शियस फॉर दैट, ठीक है. अगर वो चीज़ को ना फांद के चले अब लाइक फॉरवर्ड लेके चले जाओ, ठीक है. सो ऐसा नहीं होना कि वहाँ पे जाके ना हंसते हंसते आ रही और लगे अरे पापा यहाँ पे चलो, ठीक है, फेस में दिख जाए, ठीक है. बी स्मार्ट इनफ टू मक्खन से निकाल दो, ठीक है. सो वो चीज़ अब तुमको प्रैक्टिस करके पता लग गया होगा कि कहाँ पे वो ऊपर नीचे है, राइट. सो वो चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में बैठाओ, स्टार्ट हो. अगर गिर भी जाते हो तो कॉन्फिडेंटली उठो एंड देन स्टार्ट करो. एक्स्ट्रा पॉइंट दे दूंगी कॉन्फिडेंस. समझ में आया? झारखंड में सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, झारखंड में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट इट इज ग्रोइंग, ठीक है. मार्केट इज ग्रोइंग, सो ऐसा मत, नेवर अंडर एस्टिमेट झारखंड, सेइंग दैट अरे यहाँ पे कुछ नहीं है. नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, झारखंड में है. एंड अगेन, अगर मॉडलिंग करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि देयर आर मेनी एजेंसीज व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली एंड बॉम्बे, स्टार्ट अप्रोचिंग, ठीक है. इफ दे लाइक यू, दे विल टेक यू. समझ में आ रहा है? सो दैट इज हाउ, दैट इज हाउ, ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू मैम, परफेक्ट. एनी अदर लास्ट क्वेश्चन? नो, दैट इज द जॉब. नाउ जस्ट आई वुड से वन थिंग, ऐसा मत सोचना कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. देखो, जीतना और हारना हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन जीतने की कोशिश करना वो हमारे हाथ में, राइट. सो गिव योर बेस्ट, डजंट मैटर. लॉट ऑफ पीपल कम अप टू मी सेइंग दैट, यू नो मैम, आई एम नॉट सो टॉल, आई एम नॉट सो प्रिटी, आई एम सो डार्क एंड दिस एंड दैट. वो चीज़ को निकाल दो दिमाग से, दैट इज नॉट काउंटेड एट ऑल. अगर ऐसा होता तो एक बिना बाल की लड़की मिस यूनिवर्स 2019 नहीं बनती. एक डार्क लेडी, चॉकलेट कलर की लेडी मिस यूनिवर्स 2019 नहीं बनती. समझ में आ रहा है? सो प्लीज रिमूव ऑल दो शिट थिंग्स फ्रॉम योर हेड एंड जस्ट वर्क हार्डर, दैट इज नॉट आंसर. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है. अभी शाम को ऐसा नहीं होना, सोना नहीं चाहिए तुम उस चीज में. समझ में आया? तो चलो रेडी, प्रेप अप, ठीक है. चलो.